हेलो फ्रेंड्स, हूँ डॉक्टर विनोद सत्यपाल, प्रोफेसर अरुण बालचंद वोरा, एमएड कॉलेज राधनपुर, हिम्मत विद्यानगर। फ्रेंड्स, आज हूँ तमने हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी पाटण द्वारा चालता एमएड सेमेस्टर फोर ना अभ्यासक्रम में ईएस 402 गाइडन्स एंड काउंसिलिंग विषय में केटलाक अगत्यना हेतुलक्षी प्रश्नों की रजूआत करीश। मित्रों, आ तमारू एमएड नू छेल्लू सत्र छे अने आ छेल्ला सत्र में तमे तमारी आमदारी ऑनलाइन नी जे परीक्षा छे ए परीक्षा माटे हूँ तमारी समक्ष गाइडन्स एंड काउंसिलिंग विषय में केटलाक हेतुलक्षी प्रश्नों ने चर्चा करीश। मित्रों, आ हेतुलक्षी प्रश्नों तमारी ऑनलाइन एग्जाम में खूबज उपयोगी रहेशे। मित्रों, मारी आ यूट्यूब चैनल में जो तमे नवा हो तो मारी यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करी देजो अने हाँ, बाजू में आपेलू जे बेल आइकन छे तेने प्रेस करी देजो जेथी करीने मारा आवनारा तमाम अगत्यना वीडियो नु नोटिफिकेशन सब प्रथम तमने मली रहे। तो मित्रों, चालो त्यारे एमएड सेमिस्टर फोर ईएस 402 गाइडन्स एंड काउंसिलिंग विषय में केटलाक अगत्यना हेतुलक्षी प्रश्नों अने तेना जवाबो जोईए। प्रश्न एक जोईए तो व्यावसायिक मार्गदर्शन की शुरुआत क्या थई हती, तो तेनो जवाब छे अमेरिका। प्रश्न बे जोईए तो भारत में व्यावसायिक मार्गदर्शन की शुरुआत कोणे करी हती, तो मित्रों तेनो जवाब छे डॉक्टर जी एस बोज। प्रश्न त्रण जोईए, बाटली बॉय वोकेशनल गाइडन्स ब्यूरो नामनी संस्था कोणे शुरू करी हती, तो मित्रों तेनो जवाब छे मुखर्जी अने बाटली बॉय। प्रश्न नंबर 4, वोकेशनल गाइडन्स ब्यूरो नी स्थापना क्यारे अने कोणे करी हती, तो तेनो जवाब छे 1950 मां मुंबई राज्य सरकार द्वारा। प्रश्न नंबर 5, सौ प्रथम व्यावसायिक अभिरुचि कसोटी कोणे रची, तो मित्रों तेनो जवाब छे ई के स्ट्रॉंग। प्रश्न नंबर 6 जोईए तो कुडर प्रेफरेंस रेकॉर्ड्स नामनी व्यावसायिक अभिरुचि कसोटी नी रचना कोणे करी, तो मित्रों तेनो जवाब छे कुडरे। प्रश्न नंबर 7 जोईए तो सामाजिकता मिति पद्धति सर्वप्रथम कोणे प्रयोजी हती, तो तेनो जवाब छे मोरेनो। प्रश्न नंबर 8, संग्रहित माहिती पत्रक राखवानी भलामण कोणे करी हती, तो मित्रों तेनो जवाब छे माध्यमिक शिक्षण पंच। प्रश्न नंबर 9, दिशा सूचक सलाह अभिगमना प्रणेता कोण छे, तो तेनो जवाब छे ई जी विलियमसन। प्रश्न नंबर 10, बिन दिशा सूचक सलाह अभिगमना प्रणेता कोण छे, तो मित्रों तेनो जवाब छे कार्ल रोजर्स। प्रश्न नंबर 11 जोईए, दिशा सूचक सलाह अभिगममा केन्द्र स्थाने कोण होय छे, तो मित्रों तेनो जवाब छे शिक्षक। प्रश्न 12 जोईए तो बिन दिशा सूचक सलाह अभिगम में केन्द्र स्थाने कोण होय छे, तो तेनो जवाब छे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 13, मध्यम मार्गी सलाह अभिगमना प्रणेता कोण छे, तो मित्रों तेनो जवाब छे एफ सी थॉर्न। प्रश्न नंबर 14, मार्गदर्शनो मुख्य हेतु कयो छे, तो तेनो जवाब छे विद्यार्थीनो सर्वांगी विकास करवो।
પ્રશ્ન નંબર 15 માર્ગદર્શન ચળવળના પિતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે? તો મિત્રો તેનો જવાબ છે ફ્રેન્ક પાર્સન. પ્રશ્ન 16 જોઈએ તો એન ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ગાઈડન્સ પુસ્તકના લેખક કોણ છે? તો મિત્રો તેનો જવાબ છે ક્રો અને ક્રો. પ્રશ્ન નંબર 17 શૈક્ષણિક માર્ગદર્શનનો મુખ્ય હેતુ કયો છે? તો જવાબ છે વિદ્યાર્થીનો વિકાસ કરવો. પ્રશ્ન નંબર 18 માર્ગદર્શન માગે છે કે દરેક વ્યક્તિ પોતાના વિશેની વિસ્તૃત ઊંડી માહિતીથી માહિતગાર બને, આ વ્યાખ્યા કોની છે? તો મિત્રો તેનો જવાબ છે ચિસોલ્મ. પ્રશ્ન નંબર 19 ઓલ ઇન્ડિયા એજ્યુકેશન એન્ડ વોકેશનલ ગાઈડન્સ એસોસિએશનની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો મિત્રો તેનો જવાબ છે ઈસવીસન 1959માં. અને મિત્રો છેલ્લો પ્રશ્ન જોઈએ તો 20મો પ્રશ્ન, માર્ગદર્શનના ક્ષેત્રે સંશોધન કાર્ય કોણ કરે છે? તો મિત્રો તેનો જવાબ છે NCERT. તો મિત્રો આ હતા એમએડ સેમિસ્ટર ફોર ES 402 ગાઈડન્સ એન્ડ કાઉન્સેલિંગ વિષયના કેટલાક અગત્યના હેતુલક્ષી પ્રશ્નો અને તેના જવાબો. મિત્રો મારો આ વિડિયો જો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મિત્રો ઓલ ધી બેસ્ટ ફોર ધ પ્રિપેરેશન એન્ડ ઓલ ધી બેસ્ટ ફોર ધ એક્ઝામ. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.